और अहम खबर यही कि थोड़ी देर बाद यानी तकरीबन 9:30 बजे के आसपास सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, अगर मौसम खराब रहा जैसा कि अयोध्या में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, तो लखनऊ के बाद जो है सड़क के रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ सकते हैं, लेकिन ये प्लान भी है। दूसरी तरफ प्रशासनिक तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुबह तेज बारिश के कारण थोड़ी सी जो सजावट थी वो इधर उधर हुई, लेकिन उसको भी अब वापस से ठीक किया जा रहा है। पर राम भक्ति का रंग देखिए कैसे चढ़ा हुआ है सभी लोगों पर, पूरे देशवासियों पर। लेकिन वाराणसी फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं, जहां से नितेश पांडे हमें बताएंगे। नितेश, आपके साथ जो भजन मंडली है क्या कहेगी? आज 5 अगस्त का दिन है, भूमि पूजन हो जाएगा और अयोध्या में तो ऐसे लोग स्वागत करें जैसे सचमुच राम लला ही पधार रहे हो। बनारस में राम भक्ति का रंग रंग यहाँ पे जमा हुआ है, महादेव की नगरी है, लेकिन यहाँ पर राम की भक्ति में सराबोर है, लीन है भक्त। और कैसे ये लोग राम की भक्ति कर रहे हैं ये जान लेते हैं। आप एक गीत गा रहे हैं तो उन गीतों की बोल में किस तरह की भक्ति है, क्या है? जब भगवान श्री राम विवाह के लिए गए थे तो कलेवा कर रहे थे और कलेवा करते समय सखियां गाती हैं तो लक्ष्मण जी बताते हैं कि यह साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमेश्वर है। आस्था अपने चैनल के माध्यम से भक्तों को एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ राम रूपी कलाकार भी मौजूद हैं। आप देखिए ये जो कह दें तो ये पात्र रूप में ये राम रूपी कलाकार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आज राम रंग सब पे चढ़ा हुआ है, तो हम इनसे बात भी कर लेते हैं। आप बताइए कि आपने भगवान श्री राम का रूप धरा हुआ है तो मन में किस तरह के भाव हैं? आज भूमि पूजन भी होने जा रहा है, मन में अच्छी तरह की भाव है, भगवान का स्वरूप मिला है मन लेने के लिए। संदेश क्या है? संदेश भूमि पूजन होने जा रहा है वहाँ पे, संदेश यही कि भगवान का स्वरूप मिला है हमको। तो निश्चित तौर पे जो सनातनी परंपरा के निभाने वाले लोग हैं, जो संत हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, ये राम रूपी पात्र भी हैं और संगीत भी है और इसके साथ ही एक भक्ति भाव भी है, तो क्या इसका मतलब, क्या संदेश? देखिए सीधा सीधा बात है, जो हृदय का उल्लास है, जो हृदय का आनंद है, आज वह मुखर हो चुका है, आज वो बाहर आ चुका है। जिस प्रकार से आज शिलान्यास होने जा रहा है, परमात्मा रामभद्र जी की साक्षात मूर्ति आप देख रहे हैं, ये साक्षात पात्र देख रहे हैं जिनके माध्यम से हम लोग आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग झूमे के गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उधर हवन चल रहा है, रामार्चन चल रहा है। तो के बोल क्या हैं, किस तरह से गीत आप लोग गा रहे हैं, वो बोल क्या? देखिए अभी जैसे सीता राम दर्शन बरसे ये सावन की झरी, अरे सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झरी। वाकई जो काशी नगरी है वो इस वक्त राम के रंग में रंगी हुई पूरी तरह से नजर आ रही है।